नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल पर नव वर्ष की बेला में कुछ नव वर्ष के विषय में बताने और नव वर्ष पे युवाओं को कुछ संदेश देने के लिए जलालपुर सुधीर मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर सुधीर कुमार राजवंशी आज हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि नव वर्ष में उनका युवाओं के प्रति क्या संदेश है, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आपको चैनल की तरफ से समस्त सम्मानित देशवासियों को, समस्त सम्मानित जो है क्षेत्रवासियों को, सभी सम्मानित छोटे भाई बहन और बड़ों को, सभी लोगों को तहे दिल से नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं सुधीर कुमार देता हूं। आप सबके जीवन में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाली रहे और सदैव आप सब पर करुणा के सागर महामानव तथागत भगवान बुद्ध की अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना और प्रार्थना करता हूं इस नव वर्ष के शुभ अवसर। अच्छा भी है कि समय समय पर एक अभियान आप अपना चलाते हैं नशा मुक्ति जी, तो युवाओं को इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं विजय जी ये बताना चाहूँगा कि 2024 आया, कल बहुत सारी जगहों पे खूब डीजे पार्टी हुई, खूब डांस हुआ, आज खूब बच्चों ने सेलिब्रेट किया और खूब डीजे बजा के नए साल का, नए वर्ष का जो है स्वागत किया है सभी युवा साथियों ने। मैं उन सभी युवा साथियों से ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा सामने कि कुछ युवा साथी जो ये न्यू वर्ष 2024 का वेलकम कर रहे थे और 2023 को विदा कर रहे थे, हमने देखा बहुत सारे युवा साथी हमारे रात को डांस कर रहे थे, डीजे पे डांस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो ड्रिंक किए हुए थे, दारू पिए हुए थे, कोई बियर पिए हुए था, तो कोई कुछ, मतलब मेरा कहने का मतलब है नशीले पदार्थों का सेवन वो किए हुए थे। आज भी यही चीज़ देखने को मिली कि नव वर्ष पर लोग डांस कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, तो मैं उन सभी युवा साथियों से, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी, हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं और अपील करता हूं कि दोस्तों, साथियों, मेरे युवा साथी, दिल के अजीज, आप लोग ये जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, चाहे वो दारू हो, चाहे वो बियर हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तम्बाकू हो, चाहे वो गुटखा हो, नाम गिनाए, मैं सभी युवा साथियों से ये अपील करूँगा कि नए वर्ष पे आप संकल्प लें कि हम किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे, अर्थात हम नशे को त्याग देंगे और हम अपना सादा जीवन जो है बिताएंगे और समाज में अपनी एक पहचान बनाएंगे। रहा सवाल जो आपने कहा कि ये विचार आपके मन में कहाँ से आया, तो साथियों, मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ड्यूटी करता था उस टाइम में मैं देखता था कि जो लोग एल्कोहलिक होते थे, जो लोग दारू पी रखे होते थे, उनका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो जाता था, उनका बहुत जो है शरीर में उनके जो है किडनी, फेफड़े और लीवर अच्छे से काम नहीं करता था। तो हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे, जो एमडी रैंक के डॉक्टर्स थे, वो कहा करते थे कि आपने दारू बहुत पी है, आपने बीड़ी बहुत पी रखी है, इसकी वजह से आपके फेफड़े में दाग है, इसकी वजह से आपका लीवर जो है, आपको लीवर सोराइसिस हो गया है, इस तरह से डॉक्टर साहब बताते थे, मैं सुनता रहता था। तभी से मैंने सोचा था कि जो मेरा युवा साथी है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अंतिम सांस तक नशे के प्रति लड़ता रहूंगा और लोगों से अपील और निवेदन करता रहूंगा कि भैया, जितने की आप दारू पी जाते हैं उतने का आप कुछ और खा लीजिए, उतने का आप जो है वो आप दूध पी लीजिए, उतने का आप पनीर मंगा के खा लीजिए, उतने का आप कुछ और खा लीजिए, लेकिन आप नशीले पदार्थों का जो है सेवन ना करें, क्योंकि हमने हॉस्पिटलों में देखा है कि जो लोग दारू ज़्यादा पीते थे, बीड़ी ज़्यादा पीते थे, सिगरेट ज़्यादा पीते थे, उनको जब किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होती है, तो बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और मन के संघर्ष से हार जाते हैं और फिर अंतिम सांस लेते हैं। तो मैं सभी पुनः इस नव वर्ष की शुभ अवसर पर और नव वर्ष की संध्या की बेला पर आपके चैनल के माध्यम से और आपके जो है अथक प्रयास जो आप हमें लाइव ला रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि भैया, नशीले पदार्थों का सेवन ना करें इस नए साल पर। हम सब युवा साथी
मिलकर एक संकल्प लें कि हम दारू शराब गुटखा पान पुड़िया बीड़ी दारू इन किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। और नशा छोड़ने के विषय में ही बताते हैं या कोई अन्य संदेश भी रहता है लोगों के विषय में, अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि नशे के अलावा आप क्या लोगों को मैसेज देते हैं। विजय जी, जब हमारा समाज या जो हमारी युवा पीढ़ी है जब वो नशा नहीं करेगी, क्योंकि हमने बहुत गांव में सर्वे किए हैं कि उनके पास नशा तो रहता है, वो नशे के लिए उनके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी फीस जमा करने के लिए, मैंने देखा, मैंने एनालाइज किया, मैं दुकान के पास खड़ा हुआ था, कुछ सामान लेने गया था, तो मैंने देखा कि वो काम करके आया और उसकी जो स्लीपर थी, जो चप्पल थी, उसको उसने जो है एक डोरी से बांध रखा था। मेरी इस बात को युवा साथी ध्यान से सुने, उस चप्पल को वो व्यक्ति डोरी से बांध रखा था, चप्पल उसके पैर में सही नहीं थी, लेकिन वो जाकर के 150 के 2 पौवे लिया और अपने साथियों के साथ बैठ करके पी गया। मुझे लगता है कि अगर 150 रुपये वो दारू में बर्बाद करता है और अगर स्लीपर ले लें नॉर्मल, तो 120-130 रुपये की पहनने वाली चप्पल, डेली यूज वाली चप्पल मिल जाती हैं, लेकिन वो दारू में इतना मस्त है कि उसके पैर में चप्पल है, उसको वो जुगाड़ बना करके रस्सी में बांध करके चला रहा है, लेकिन जो 150 रुपये वो कमा के आया है वो दारू में खत्म कर दे रहा है। तो जब आदमी नशा नहीं करेगा तो जो उससे पैसा बचेगा उससे आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उन्हें शिक्षित करिए, अच्छी पढ़ाई कराइए, उनको अच्छे स्कूल भेजिए, अच्छे कपड़े बना के दीजिए, अच्छे जो है उनको भोजन अच्छा अच्छा बना के खिलाइए, क्योंकि जो आप तो पैसा अनर्गल नशे में खर्च कर रहे हैं वो पैसा बचा करके आप बच्चों को अच्छा सुंदर भोजन कराइए, अच्छे कपड़े पहनाइए और अच्छी शिक्षा दीजिए। क्योंकि एक मेरा कैलकुलेशन है विजय जी कि अगर 70 रुपये का पौवा आप पर डे एक पीते हैं और ये आप 40 साल तक पीते हैं तो आप 10,08,000 रुपये की दारू पी जाते हैं 40 साल में। अगर आप 40 साल तक इसको पीते हैं और मात्र 70 रुपये का एक पौवा आता है, अगर वो पीते हैं आप, तो आप 10,08,000 रुपये की दारू पी जाते हैं। इस सर्वे है मेरा 40 साल का। इतने में 10,00,000 रुपये में तो एक बीएमएस डॉक्टर बनके आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। एक बात बताइए, जैसे कि आपने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, तो हर माता पिता चाहता है कि मेरा लड़का अच्छा पढ़े, अच्छे तरीके से वो पढ़ाई करे, इसलिए सरकार ने भी मदद कर रखी है, सरकार ने जगह जगह स्कूल खोल रखे हैं, तो क्या जो सरकारी स्कूल विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं क्या आपके हिसाब से वो सक्सेस नहीं होते? नहीं, बिल्कुल सक्सेस होते। मैं तो सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरे पापा एक फार्मर हैं और मुझे जो है शुरू की जो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो हमारे ग्राम सभा भिटौरा के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल से हमारी प्रारंभिक शिक्षा रही। वहीं से हमें जो है प्रेरणा मिली और मैं आगे बढ़ा। उसके बाद में जो है मैंने लखनऊ जाकर के पढ़ाई किया, वहाँ मैंने 2 साल प्राइवेट में पढ़ाई किया, फर्स्ट ईयर और इंटर मैंने प्राइवेट से किया है। उसके अलावा हाई स्कूल तक की पढ़ाई जो है वो हमने सरकारी कॉलेज से की है, स्कूल से की है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे कमजोर होते हैं, इसके लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए हमें अभिभावकों से ये कहना है कि जिस तरह से आप बच्चों के बैग में आजकल जो सरकार तो खाने भी दे रही, सरकार खाना दे रही है, कपड़ा दे रही है, किताब दे रही है, कापी दे रही है, स्वेटर दे रही है, जूता दे रही है, मोजा दे रही है, सब कुछ तो दे रही है सरकार, तो आप अपने बच्चों को जिस तरह से थाली उनके बैग में रखना नहीं भूलते हैं, उसी तरह से जब वो स्कूल से आए तो ये हर माँ बाप का कर्तव्य है कि उनका होमवर्क चेक करें, उनको शाम को 2 घंटे बैठा लें और स्कूल में क्या पढ़ाया गया ये देखें। अगर स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, स्कूल में काम नहीं दिया जाता है, तो सरकार ने बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उस हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करें, जाकर के प्रधानाचार्य महोदय से मिलें, जाकर के वहाँ से टीचर्स के संपर्क करें और टीचर से कहें कि भाई मेरा बच्चा प्रतिदिन स्कूल आ रहा है लेकिन हमारे बच्चे को कोई काम नहीं दिया जा रहा है। टीचर चाहते हैं कि बच्चे के गार्जियन आएं, हमसे पूछें, सवाल करें, लेकिन हमारे जो है अभिभावक हैं
वो इतने मस्त हैं स्कूल तो भेज देते हैं, जब उनको कॉपी लेना होगा तो भेज देंगे, जब कपड़े लेने होंगे तब हमारे चाचा जो है जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल के पद पे हैं भिटौरा में, अवधेश कुमार जी। तो मैं देखता हूँ कि चाचा जी बताते रहते हैं कि जब बच्चों को स्वेटर लेना होता है तो बच्चों की भीड़ बढ़ जाती है, जब बच्चों को जूते लेने होता है, बैग लेने होते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है, और वैसे बेचारे वो गांव गांव जाकर के बच्चों को बुला बुला करके स्कूल बुलाते हैं, लेकिन अभिभावक को फोन करते हैं तो अभिभावक कहता है भैया आज हमारा गन्ना छुल रहा है, अभिभावक से कहते हैं भैया वो अपने नानी के यहाँ गया है। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा, ठीक है आपके घर का काम है, काम भी बहुत जरूरी है, तो आप जब अवकाश हो, रविवार का अवकाश दे रखा है सरकार ने, आप उस दिन काम करवा लीजिए, आप बच्चों के स्कूल के बाद काम करवा लीजिए, लेकिन सभी मेरे अभिभावकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजिए, उनका होमवर्क चेक करिए, स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, होमवर्क पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल में बताया जा रहा है उसको उन्होंने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, इसकी जिम्मेदारी हर अभिभावक की बनती है, क्योंकि स्कूल में बच्चा 4 घंटे रहता है या 6 घंटे रहता है या 8 घंटे रहता है, लेकिन आपके पास वो प्रॉपर 24 घंटे रहता है, तो ज़्यादातर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा कितने बजे उठ रहा है, कितने बजे पढ़ाई कर रहा है, कितने बजे होमवर्क कर रहा है, कितने बजे स्कूल जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे अभिभावक देखें।